हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, सुबह के समय के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, नए दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलंब से खूब करने में करुणा में प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। वो हमारी मदद और सहायता करने वाला प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वो धन्यवाद यीशु, तारीफ करें सुबह के समय के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हमारी मदद और सहायता करने वाला। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलंब से को करने में करुणा में प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, यीशु हमारे ज्योति और हमारा उद्धार है, प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। नई सुबह के लिए, नई दिन के लिए प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक भलाइयों के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। नई करुणा के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। बोलो, मेरा परमेश्वर मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, और वह मेरी चट्टान है। बोलो, वह मेरा मेरी चट्टान है। बोलो, वह मेरा शरणागत है। हालेलुया, वह मेरा सब कुछ है, वह मेरी ढाल है, वो मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। प्रभु सब कुछ करने की बदल सकता है। हालेलुया, वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, आज आप इधर उधर की बातों में मन ना लगाए, निगेटिव चीजों में मन ना लगाए। शैतान बहुत चलाक है और वो बहुत चलाक है। उसको पता है कि आप परमेश्वर की बातों पर मन ना लगाएंगे तो कुछ जीवन और शांति मिल जाएगा। लेकिन यदि आप शैतान की बातों पर मन लगाएंगे तो आप शैतान क्या हो जाएगा, उन सारी गलत चीजों को करना शुरू कर देंगे। शैतान बहुत चलाक है, वो उन चीजों को आपके जीवन में लेकर आता है। हालेलुया, उन चीजों को, वो ऐसी सी बातों को, ताकि आप तुरंत भटक जाए। यदि किसी को लालच है तो वो लालच वाली चीजें लेकर आएगा। जो आत्मिक जीवन में पीछे है उसको अलग तरीके से लेकर आएगा, वचन से फंसाएगा, झूठे वचन से, अलग अलग तरीके से लड़ाइयाँ लेकर आएगा, झगड़ा लेकर आएगा। हालेलुया, यदि किसी परिवार में अच्छे प्रेयर चल रहे तो उसे पता है कि ये परिवार कैसे टूटेगा। इन सब विश्वासी में सबसे ज्यादा गुस्से वाला तो लड़ाई करने वाला तो झूठ बोलने वाला कौन है, और उसको उसी तरीके से पकड़ता है। और वो कहाँ काम करता है, मन में, माइंड में निगेटिव चीजों को लेकर आता है। हालेलुया, शैतान हो सकता कहता होगा कि तेरे पास आशीष नहीं है, तू नहीं चंगा हो सकता। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे लगता है मुझे कि तू चंगा नहीं हो सकता, तेरा बिजनेस नहीं बढ़ेगा, तेरा कुछ भी ठीक नहीं होगा, इसलिए तू जा, तू चले जा। हालेलुया, मतलब कई लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसी आवाजें भी आती है कि कुछ हो रहा है कि तू नहीं ठीक हो सकता, और मुंह से ऐसे ही बातों को बोलना शुरू कर देते हैं। पर वो ठीक नहीं करे, इससे अच्छा तो मैं चले जाता, इससे अच्छा तो मैं वो कर लेता, मतलब गलत गलत बातों को। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शैतान जो मन पे पहले, दिमाग पर पहले वार करता है, सोच विचार पर वार करता है, वो ऊपर से वार नहीं करेगा, वो सोच विचार पर करेगा। उसको बदलेगा कि निगेटिव चीजों को लाएगा, उदासीपन में लेकर आएगा, निराशापन में लेकर आएगा, ताकि आप परमेश्वर से दूर हो सके और प्रार्थना करना छोड़ सके। शैतान का एक ही काम है, आपको परमेश्वर से दूर करना, आपको संगति में बने नहीं रहने देना, आपके जीवन में प्रार्थना खत्म कर देना, परिवार प्रेयर खत्म कर देना, वचन जो पढ़ते हैं उसको रूटीन को खत्म कर देना। हालेलुया, फिर आपने बोला मैं कल प्रेयर कर लूंगा, मैं कल कर लूंगा, करते करते फिर कल कभी भी नहीं आता। फिर आप ऐसे ऐसी दशा में पहुंच जाते, फिर बोलते अरे अरे प्रार्थना ही नहीं किया, अब प्रार्थना करके करूंगा क्या। मतलब ऐसी दशा में शैतान आपको लाना चाहता है। लेकिन याद रखना, यदि प्रभु का वचन कहता है यदि कोई दुष्ट कोई यदि वो मन फिराए और प्रभु के पास आए तो प्रभु उसे क्षमा करेगा। हालेलुया, तो आज बहुत सारे ऐसे जो लालसा करते हैं, जो गलत बातों में, जो इधर उधर की बातों में हालेलुया जल्दी फंस जाते हैं, लालसा करते हैं गलत चीजों के, इधर उधर की बातों की, झूठ की। हालेलुया, वे विचार करते गलत चीजों में, उन सभी चीजों में चले जाते हैं। शैतान इसी चीजों को आपके ज्यादा निकट लेकर आता, ताकि आप प्रभु से क्या हो जाए, दूर हो जाए। इसे प्रभु लोगों को क्या कहता है, जो प्रभु को छोड़ दिए, जो प्रभु के पीछे नहीं चलना चाहते, जो अंधकार में जाना चाहते हैं, जो ज्योति में नहीं आना चाहते, तुम अपनी शैतान से हो और अपने पिता के लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं,
जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। वह आपसे कहता होगा आज कि कुछ नहीं हो सकता, हालेलुया कि यह आशीष तुम्हें नहीं मिलेगी, तेरे जीवन में काम नहीं बनेगा। मतलब माइंड पे वो अटैक करने की कोशिश करता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जब जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते कि शैतान जो यहूदा में समा गया, तभी तो वो यीशु मसीह को पकड़वाया। हालेलुया, क्योंकि उन बातों को पहले ही उसने जगह दे दिया था लालच को। इसे लालसा लिखा यहाँ पर कि तुम लालसा करते हो, इसका मतलब तुम अपने पिता किससे हो, तुम अपने पिता से। शैतान जो आरंभ से हत्यारा है, लालच लालसा, क्योंकि यहूदा ने भी क्या किया, लालसा किया, लालच किया। आज एक लालच एक छोटी वर्ड लग रही होगी, पर ये छोटी वर्ड नहीं, एक बहुत बड़ी वर्ड है। हालेलुया, जो गलत कामों को करवाती लालसा, लालच की वजह से तो मारपीट हो रहा है, लालच की वजह से ही तो क्या हो रहा है, घर टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, लालच की वजह से जमीन का केस लड़ रहे हैं और हत्या करते रहे। लालच, उसके पास ये तो मेरे पास क्यों नहीं, मुझे पास और होना चाहिए, मेरा इतना पैसे में नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे और चाहिए। लालच, लालसा, लालसा करते हैं, छूट की लालसा, चोरी की, गलत काम करने की, अडल्टरी की, व्यभिचार की, गंदे चीजों को देखने की, गलत फ्रेंडशिप में जाने की लालसा, रंग रूप गलत वो सभी देखने की। हालेलुया, गलत चीजों को देखने की, पिक्चर को देखने की, मूवी को देखने की, ब्लू फिल्म को देखने की, इधर उधर की बातों को देखने की। हालेलुया, लालसा, लालच, इसलिए तुम अपने पिता उससे हो, शैतान से हो, जो वो आराम से हत्यारा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की तारीफ। लेकिन प्रभु आपसे कहता है कि देख, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे बचाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा। परमेश्वर ये आपसे कहता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज अपना जीवन को सरेंडर करें, उस शैतान की बातों पर मन न लगाए जो आरंभ से हत्यारा है। उन लालसाओं को छोड़ दो, लालच को छोड़ दो, इधर उधर की बातों में, अडल्टरी में, गंदे मजाक में छोड़ दो। अपना जीवन प्रभु के आगे समर्पण कर दो, बोलो वो मेरा परमेश्वर, मेरा ऊंचा गढ़ है। हाले लालच एक बहुत बुरी बला है। हाले लालच जब आ जाता था वो लालच खत्म होने का नाम नहीं लेती। आपके पास है लेकिन फिर भी आपका मन करेगा, फिर गलत काम करने का मन करता है, झूठ बोलने का मन करता है, लालसा करने का मन करता है, इधर उधर की बातों में। और इस प्रभु का वचन के तुम अपने पिता शैतान से, जो कि आराम से हत्यारा है, क्योंकि झूठ बोलते हो, वो स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। इसे सत्य पर चलो, सत्य में बने रहो, अड़े और खड़े रहो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, प्रभु के पीछे पीछे चलते जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। बोलो मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ये कमांड करे कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा स्वास्थ्य ठीक करेगा, मेरे मुझे चंगा करेगा, मेरे शरीर को चंगा करेगा, हष्ट पुष्ट बनाएगा। परमेश्वर से रोज प्रार्थना करे, कमांड करे कि तू निश्चय अपने कमाई को खाने पाएगा। हाँ प्रभु, मैं खाने पाऊंगा। कमांड करके मुझे प्रभु ब्लेसिंग देगा, मुझे बेबी से ब्लेस करेगा। कमांड करे कि प्रभु का वचन मेरे जीवन में पूरे हो। हालेलुया, कि पीछे चलने के लिए मेरे अगुवाई कर पिता परमेश्वर, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु ने वादा किया कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा और तू ब्लेस्ड होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज ही अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करते हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बीमारी जाए, हर एक परेशानी जाए, हर एक समस्या अच्छा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे जातो जा, गवाहियों के साथ वापस आए, गवाहियों के साथ वापस आए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक प्रॉब्लम जाए, हर एक परेशानियां जाए, रबकत्ती धन्यवाद करती सेवक राइट नाउ, जो दर्दों में, जो बीमारियों में है, यीशु के सामर्थ्य पेन खत्म हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में दर्द जाए, हेडेक जाए, डिप्रेशन जाए, टेढ़ी मेढ़ी हड्डी सीधी हो जाए, स्वेलिंग सूजन गेट आउट, तुझे कमांड करती चल यीशु के सामर्थ्य नाम में। नेल की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपके घुटने का दर्द जाए, आपके गले का दर्द जाए, आंखों की रोशनी वापस आए। मैं प्रार्थना करती जो बच्चे बीमार है चंगे और आजाद हो जाए, और गवाहियों के साथ वापस आए, जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है। हालेलुया, प्रभु जी ध्यान करो जिनका कोर्ट केस चल रहा है। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर एक कोर्ट केस से आजाद हो जाओ। मैं प्रार्थना करती जिनके घर टूट गया, परिवार टूट गया, यीशु के सामर्थ्य नाम में जोड़ देती हूँ,
टूटा हुआ घर छोड़ जाए ईश्वर के समर्थन, अगर परिवार जुड़ जाए जो घर छोड़कर चले गए वापस है, अगर वीजा डॉक्यूमेंट पेपर को ब्लेस करती हूँ ईश्वर के समर्थन नाम में, सारी प्रार्थनाओं को सुन लिया मैं, धन्यवाद करती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, अपने महिमा दिन के लिए तैयार करना, डे बाई डे डे बाई डे डे बाई डे आगे पीछे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना, तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी तारीफ, सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया हम तेरा धन्यवाद करते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं, आगे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता, सुबह के समय के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर पिता अनुग्रह दे अनुग्रह दे अनुग्रह दे, हालेलुया धन्यवाद यीशु, दयालु करुणा धन पिता परमेश्वर, एक एक जनों को तेरे हाथ में समर्पण कर देती हूँ और ब्लेस करती हूँ के समर्थ नाम में, प्रभु जी जहाँ जाते हैं सबको साथ रहना, जो हॉस्पिटल एडमिट है चंगे रहा, जहाँ तो जाओ, जो चल नहीं पाते जो बोल नहीं पाते अच्छा तो जरा गवाही के साथ वापस आओ, यीशु के लहू में कवर करती हूँ और बाड़ा में बांध देती हूँ, सारी प्रार्थना को सुनिए धन्यवाद करती हूँ, प्रभु जी आपका आगमन बहुत निकट है उसके लिए तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए, तो आज सारी प्रार्थना को सुन धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते सुनो कबूल कर लीजिए पिता आमीन। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें, अपनी गवाहियों को देना ना भूलें, अपनी ऑफरिंग को अपने दान अपने दशमांश को ऑनलाइन पेमेंट और बैंक के थ्रू दे सकते हैं, लगातार प्रार्थना में बने रहें खड़े और खड़े रहें, प्रभु में सदा आनंदित रहें, हालेलुया आप सभी लोगों को जय मसीह की।